हर साल पाकिस्तान में बजट आता है और एक तबका बहुत परेशान हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे उस तबके के बारे में। आप देख रहे हैं रेड वॉच, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, हमारा वो तबका जो सबसे ज्यादा बजट आने पे परेशान हो जाता है, वो मिनी बजट पे भी ज्यादा परेशान हो जाता है, उस तबके का नाम है वो तमाम हजरात जो कि सिगरेट पीते हैं। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में एक सिगरेट बनती कितने की है, मार्केट में बिकती कितने की है, सिगरेट कंपनी टैक्स कितना देती है और पाकिस्तान में हर साल कितनी सिगरेट सप्लाई की जाती है। पाकिस्तान का शुमार सबसे ज्यादा तंबाकू पैदा करने वाले ममालिक में होता है। एक अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान उन टॉप कंट्रीज में से है जो कि हर साल सबसे ज्यादा सिगरेट्स बनाते हैं। पाकिस्तान तकरीबन 80 से 85 बिलियन सिगरेट्स सालाना तौर पर बनाता और बेचता है। इस सालाना सिगरेट की पैदावार के अंदर 34.7% सिगरेट गैर कानूनी तरीके से बनाई जाती है। अगर ये गैर कानूनी तरीके से बनाई जाती है तो फिर इसकी कीमत हुकूमत क्यों सेट करती है, आज हम आपको ये वाली बात भी बताते हैं। हुकूमत की जानिब से किसी भी सिगरेट के पैकेट की कम से कम कीमत 63 रुपए है और इस पर तकरीबन 42 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, जबकि मार्केट के अंदर सिगरेट की प्राइस 20 से 30 रुपए तक भी होती है। ये जो सिगरेट्स आपको 20 से 25 रुपए के अंदर मिल जाती हैं मार्केट्स के अंदर, ये सिगरेट गैर कानूनी तरीके से बनाई जाती हैं और इनकी क्वालिटी काफी लो होती है। इस गैर कानूनी तौर पर बनाई जाने वाली सिगरेट्स के बारे में वजीर आजम इमरान खान ने भी आगाह किया था और बताया था कि ये सिगरेट्स कंपनीज कितना टैक्स देती हैं और कौन सी कंपनी कितना ज्यादा टैक्स देती है। दो टोबैको की कंपनीज 98% टैक्स देती हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर 60% है, तो 40% जो बाकी टोबैको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ 2% टैक्स देते हैं। सिगरेट बनाने वाली दो कंपनीज जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देती हैं वो बनता है 98%, यानी 98% वो कंपनी सिर्फ टैक्स दे रही हैं जो कि लीगल तौर पर सिगरेट्स बना रही हैं, जबकि इनके अगर मार्केट शेयर्स की बात की जाए तो वो जो टोटल बनता है वो सिर्फ 60% बनता है। और इनमें से एक कंपनी ने तकरीबन पाकिस्तान में तंबाकू के कारोबार में $80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर इस शोबे की बात की जाए तो तकरीबन 75,000 खानदान इस शोबे से वाबस्ता हैं। ये लोग तंबाकू उगाते हैं, तंबाकू बनाने वाली कंपनीज इनसे तंबाकू खरीदती हैं और इसके नतीजे में सिगरेट का वजूद आता है। अगर हम इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर को डिवाइड करें तो तकरीबन 270 मिलियन से लेकर 280 मिलियन तक का रेवेन्यू इनफॉर्मल सेक्टर जमा करता है, जबकि 400 से लेकर 500 मिलियन का रेवेन्यू फॉर्मल सेक्टर जमा करता है, जो कि मुश्तमिल है दो कंपनीज पर। इसी तरह से अगर टैक्स की बात की जाए तो टैक्स 115 बिलियन का फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी लीगल और इलीगल चैनल से आता है। लीगल कंपनीज तकरीबन FBR को 70 बिलियन का टैक्स जमा कराती हैं, जबकि बकिया टैक्स गैर कानूनी तौर पर बनाने वाली सिगरेट कंपनीज जमा कराती हैं। इसी तरह से बहुत से तरीके से सिगरेट बनाने वाली कंपनीज टैक्स चोरी करती हैं। दरामदी सिगरेट्स, बैटरी, सिगार्स, छोटे सिगार्स और तंबाकू की और दीगर अशिया पर FED को आलमी इदारा सेहत के मियारात के मुताबिक 63% से बढ़ाकर 100% पर किया जा रहा है। हुकूमत हर बजट के अंदर सिगरेट की कीमतें बढ़ा देती है और इसकी बढ़ाने की वजह इसके मुज़र असरात हैं जो कि सेहत पर होते हैं। तकरीबन पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, जो कि स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके हवाले से सबको कार्रवाई करने की ज़रूरत है, हुकूमत को इस पर लाए अमल बनाने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर सिगरेट दरामद नहीं कर सकता तो पाकिस्तान सिगरेट बरामद कर सकता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।